यहाँ पर है मिर्ची, ये सब सेलिंग होंगे। और फर क्यों अंदर का शीश अंचस्तान। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक बार बैतूल ब्लॉग पे। तो मैं पिछले रात को रहा था, मेरा दोस्त उम्मीद भाई के घर पे वो पम पम के साथ। तो मैं सुबह सुबह आया हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे जाना है फिर से खेत पे। तो नींद तो पूरा नहीं हुआ इसलिए आँख पूरा फूला फूला है। तो हम लोग तो किसान हैं तो खेत पे तो काम करना ही पड़ेगा। अभी जाएंगे यहाँ से 15 किलोमीटर में मेरे साले प्रियंका और कई लोग जाएंगे ताकि जल्दी फिनिश हो जाए अदरक का खेती जंगल पे। तो वहाँ पर चलते हैं। मैं तो फाइनली फ्रेश अभी हो चुका हूँ, मेरा दोस्त लोग अभी सो रहा है। तो आज तो वीकली मार्केट है फ्राइडे का, तो यहाँ से कुछ सामान लेते हैं सब्जी तो उसमें क्लीन करके खाना है। चलिए सुबह सुबह आपने बहुत ही कम आया यहाँ पर ले चुके हैं मैं जगह पत्ता। तो इसका प्राइस है 20 रुपया, लेकिन रुकम भाई का कहना है कि 30 रुपये में बहुत ही सस्ता है। तो यहाँ पर थोड़ा महंगा है ये मिर्चिंगा पट्टा। सो बाइक को अभी जंगल के अंदर में घुसर दिया हूँ। अभी पहुँचा हूँ सेम वही जगह हमेशा जहाँ आता है वहीं। तो आप लोग तो सेम वीडियो देखते देखते मतलब बोर हो चुके होंगे, तो कुछ लोग फिर भी देखते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। तो पैंट तो बिक जाएगा, कोई बात नहीं, पैंट को उतार लेंगे। मैं इसको बाजार से लेके आया मिर्चिंगा पट्टा, तो यहाँ पर कुकिंग करेगी। सो पिछले रात को नींद कंप्लीट नहीं हुआ तो आग पूरा फूला फूला। सो अभी जा रहा मैं खोजने के लिए बैंगन। तो मेरा छोटा बाइक है गौर पे भी हो सकता है, लेकिन बुआ लोग के पास बहुत है लेकिन वो लोग थोड़ा दूर है, यहाँ से 200 मीटर के आसपास। थोड़ा सामने मिलने से बढ़िया रहेगा, तो वही समझ के आ रहा हूँ इस तरफ बैंगन। वाह, तो यहाँ पर कद्दू के साग और बहुत ही कद्दू लगा हुआ है। तो उस तरफ है बेतरक प्लांट भी है और बैंगन और कई प्रकार का सब्जी है। तो मेरा छोटे भाई तो यहाँ पर काम करते हैं, वो सब्जी बेच बेच कर पैसा कमाता है। मतलब उसका सब्जी खुद का सब्जी है खुद उगाते हैं, तो प्रॉफिट तो बहुत होते हैं। तो ऐसे कर करके तो लाखों रुपया कमाते हैं यहाँ के लोग, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस तरफ मिर्ची की खेती भी है और बैंगन का भी है, बहुत है पूरा काम करने वाला इंसान। बैंगन पूरा लोकल है, पूरा छोटा छोटा बैंगन यहाँ से थोड़ के लेके आते हैं बस। तो ये तो बाजार पे भी लेके गया था, इसलिए हैंडसम वाला बैंगन गायब हो गया होगा शायद। तो फिर भी मिलते हैं यहाँ पर एक पका हुआ खीरा। सो हमारे घर में तो कीड़ा वीरा बहुत ही मिलता है, तो यहाँ पर बैंगन तो बहुत है लेकिन छोटा छोटा तो इसका प्रजाति अलग ही होता है, छोटा छोटा प्रजाति तो इसे कहता है जुम्मू बिगुन हमारे यहाँ पर। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा करके फक जाते हैं। तो यहाँ पर एक पन्नी मिल चुका है, लगभग आधा किलो और लेकर जाना है। तो क्योंकि हम लोग 5 आदमी हैं ना, तो 5 आदमी बहुत खाएंगे, मिर्चिंगा पत्ता के साथ मिक्स करके खाएंगे बैंगन। चला गया इससे आराम से बैंगन का सब्जी बनेगा, पूरा बॉयल है। तो हमारे यहाँ पर फ्राइज ऐसे ग्रेवी वगैरह तो इतना नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ पर चलता है सिर्फ बॉयल ज़्यादातर, मेरा फेवरेट बॉयल ही है। यहाँ पर रहता है मेरा छोचरा भाई, पूरा खेतों के बीच में चारों तरफ खेती खेत है, बहुत ही मेहनत करते हैं यहाँ पर जितना भी होते हैं सब के सब मेहनत करते हैं। आह, पूरा आगे पीछे खेती। इसमें बस टेम्पररी घर, ट्रेडिशनल घर कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए बस। और यहाँ पर रखा है बहुत सारे पका हुआ खीरा और लोकल मुर्गी भी है, हमारे यहाँ पर लोकल मुर्गी है 450 पर किलो, लेकिन बॉयलर 300 रुपया, बस थोड़ा सा ही अंतर है। तो यहाँ पर आ चुके हैं लांच बैंगन और मिर्चिंगा पत्ता के साथ। यहाँ पर है फर का असिस्टेंट, फिनिश कर देंगे गाइस बैंगन। और फर क्यों अंदर का शीश अंचस्तान बढ़िया हो गाइस। बढ़िया। हो ना आया क्या, बस इतना तक ना आया, आधा ना आया। हाँ ये तो पुल ना आया।
सो दोस्तों हम लोग खाना वाना खाने के बाद इसमें आ चुके हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंडा है। वो पत्ता के साथ तो को पत्ता के साथ घर चले जाए, यहाँ पर छत बने हैं इसलिए। और यहाँ पर बहुत है करेली, करेली के साथ पूरा हरा भरा। यहाँ पर आने से पूरा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रहता है गाइस। तो शायद बारिश भी हो सकता है, यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। यहाँ पर है मिर्ची, ये सब सेलिंग होंगे। यहाँ पर भी है, तो हमारे यहाँ पर बहुत करते हैं मिर्ची की खेती, लोकल मिर्ची, ऑर्गेनिक मिर्ची। मामा जी के घर में बहुत ही गर्म है, क्योंकि इसका छत में वो है ना प्लास्टिक है, इसलिए बहुत ही गर्म है। जिस घर में प्लास्टिक नहीं होता है वहाँ पर बहुत ठंडा है। जो हम लोग अभी आया है वहाँ से लौट के, तो वहाँ पर बहुत ठंडा। और मेरा सोच रहा बाइक है, घर पर भी ठंडा होगा और वहाँ पर भी ठंडा होगा, तो वहाँ तब बुआ जी है अपने जाते हैं। यहाँ पर मिर्ची, मिर्ची सेलिंग सेलिंग, पैसा इनकम। यहाँ पर बहुत ठंडा है भाई, यहाँ पर या क्योंकि ये लोकल है ना, इसलिए थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का है, पूरा वो पट्टा से छत चलाया चला ठंडा है यहाँ पर। सो दोस्तों मैं रेस्ट करने के बाद अभी आया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जंगली खिला के फूल मिल सकता है इसलिए। तो यहाँ पर तो मेरा साथ डावली है, चाकू वाकू तो कुछ भी नहीं है, तो मैं हाथों से बस तोड़ने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मुझे नहीं मिला केला के फूल यहाँ पर, तो दूर पे जाने से ही मिलेगा। तो यहाँ के लोग ना, किसान लोग, वो यहाँ का आजू बाजू का केला सब बेच बेच के फिनिश कर दिए हैं। तो अभी देखा होगा रिसेंटली वीडियो क्लिप में, वो लोग सब बेच देते हैं केला के फूल, इसलिए वो लोग का पोजिशन नहीं मिलता है। नहीं तो यहाँ पर मैं आता हूँ हर साल पूरा बोरिया में, तो पूरा बैग में बस्ता में दाल दाल के मैंने लिखे जा रहा था पूरा फूल। एक बार लेके जाने से पूरा एक सप्ताह तक खाता था मैं, यहाँ पर इतना मिलता था पहले, आजकल तो नहीं मिलता है, सब फिनिश हो गया। बेचते हैं यहाँ के लोग पैसा के लिए, तो कुछ लोग तो वही बेच बेच के पैसा कमाते हैं, अपना बेटा बेटियों को पढ़ाते हैं, एक पीस 20 रुपया करके बेचते हैं। तो आए व्यापारी वेद करे उसी में, तो मैं वो भी दे के आ गया मैं। तो दोस्तों मैं गया था बाइक ही को लेने के लिए, तो यहाँ पर आजू बाजू में दुकान नहीं, बहुत ही दूर जाना पड़ता है। अगर माचिस चाहिए या कुछ चाहिए, ग्रोसरी मतलब आइटम चाहिए, तो यहाँ पर तो नहीं मिलता, लगभग जाना पड़ेगा आपको 10 किलोमीटर के आसपास, तब भी मिलेगा ग्रोसरी सामान। वाह बहुत ही बड़ा मछली आ रहा है यहाँ पर नदी पे, तो फिशिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग डिमांड करते हैं तो फिशिंग का वीडियो के लिए, तो फिशिंग और भाई मछली बड़ा बड़ा मछली थोड़ा जाल बिछाने से बहुत मिलेगा यहाँ पर। वाह अभी नदी का लेवल कम हो रहा है, तो आज चलते हैं मतलब वो दुकान पे घूमेंगे बस, बुआजी का हस्बैंड से, तो बुआजी का हस्बैंड के साथ घूमेंगे। तो बुढ़ा हो चुका है वो भी, तो जिसे क्या 2 दिन से लगता है एक तरफ से। और मैं बाइक को इसी के अंदर में घुसा के रख दिया हूँ पूरा सजा पे। सो अभी दुकान जाना कैंसिल हो गया और नहीं जाएंगे अभी, तो ऑलरेडी सामान पहुंच गया इसलिए, तो किसी ने लेके आया। अब इस नाला को क्रॉस करते हैं गैस फिर से। सो दोस्तों अभी घर जाने को है, तो रेडी हो चुके हैं, खत्म हो गया आधार का खेती, तो फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पर लिए हैं कद्दू के साग, अदरक का खेती का काम खत्म हो चुके हैं, दोनों थक चुके हैं, तो इन लोग को पहुंचा दूंगा घर पे। तो अभी जाएंगे इस भाई साहब के घर पे, तो कुछ काम है, तो वो काम नहीं बताऊंगा मैं इस भाई, लेकिन बहुत ही जल्दी शादी किया ये, इसलिए पूरा एक तो बेटा भी मिल गया है इसको। हाँ और लगता है फिर से होने वाला बेटा है इसका, नेक्स्ट टाइम बेटा होगा ना बेटी होगा, बेटी बनाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है बढ़िया। तो यहाँ पर तो बहुत पका हुआ कुकुम्बर है, और यहाँ पर भी एक तो रखा है, लेकिन ये सर गया, तो 20 काम का है, पूरा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक माल है यहाँ पर। तो हमारा घर पर भी है, अगर हमारा घर पर ऐसा सब्जी नहीं होता मैं लेके जाता, घर पर भी है ना, लेकिन नहीं जाएंगे। सो अभी घर जाने को है, तो अभी मैं यहाँ पर फिर से कब आ सकता हूँ कोई टिकना नहीं इसमें, तो काम तम तो
तो काम तो फिनिश हो चुके हैं, ऑलरेडी फिर से आने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आ सकता हूँ बस खेत को देखने के लिए। और सब्जी तो अवेलेबल यहाँ पर भी, हमारे घर पे भी अवेलेबल सब्जी, और खुजली पत्ता इधर बहुत है, अगर घर पे सब्जी ना होता यहाँ पर आता जरूर। सर दोस्तों फाइनली तो पहुँच गए हैं गांव पे, तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर से बारिश हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर तो मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी बारिश होते हैं कभी धूप होते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर तो सब्जी बहुत ही सस्ता होते हैं, तो यहाँ पर मिर्ची का प्राइस अभी 45 ऐसे कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ से सस्ता करके लेके आते हैं, आसाम से आते हैं व्यापारी, तो आसाम में जाने के बाद वो लोग बेचते हैं 150 रुपये में 200 रुपये में, तो आधा रास्ता में वो लोग को मतलब गेट पे कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है, तो इसी का वजह से वो लोग तक वो सब्जी महंगा करके बेचना पड़ता है, और नहीं बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो लोग जितना इन्वेस्ट किया तो वो लोग नहीं आएंगे। जितना भी हमारा यहाँ पर आता है ना सब्जी वो खरीदने के लिए, सभी लोग बोलते हैं कि वो 4-5 गेट है, जिससे कि वहाँ पर कुछ वो रिश्वत देना पड़ता है, बोलते हैं कि वो तब गेट फाड़ने के लिए देता है परमिशन, तो हर गेट में देना पड़ता है 300 रुपये 400 रुपये ऐसे करके देना पड़ता है। तो ऐसा करते करते जाने से क्या होता है कि 50 रुपये का मिर्ची उन लोग को 150-200 में बिकना पड़ता है, तो अगर और गेट पे कुछ टैक्स वैक्स या पैसा इसे देना नहीं पड़ता सब्ज़ी, तो आसाम में सस्ता हो जाना था हमारे यहाँ का लोकल सब्ज़ी, तो इसी का वजह से मतलब बहुत ही महंगा होते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पर जितना भी आते हैं ना सब्जी लेने के लिए अरुणाचल में आसाम से, तो सभी लोग को गेट पे ही देना पड़ता है पैसा, और अगर कोई एंटी करप्शन ब्यूरो वाले होते हैं होंगे तो, और विजिलेंस ऑफिसर होंगे तो सबके साथ पकड़ा जाएंगे, तो अगर वो लोग ऐसा करके चेकिंग करेंगे कि तो सब्जी बेचने वाले का साथ में ना वो साथ में बैठ के जाएंगे गेट क्रॉस हो जाएंगे, तो जितना भी लेते हैं घूस को तो सबके साथ तो सस्पेंड हो जाएंगे, तो ऐसा करने से जितना भी होते हैं अरुणाचल में हो आसाम में हो सब तो सब पकड़ा जाएंगे। 100% गारंटी के साथ में बोलूँगा कि सब्जी बेचने वाले के गाड़ी पे अंदर में घुस के जाने से सब पकड़ जाएंगे, कौन कौन पैसा लेते हैं वो सिली करते हैं गेट पे, तो गारंटी के साथ पकड़ा जाएंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा चलते रहेगा वो सुली वो व्यापारी लोग से सब्जी व्यापारी लोग से। यहाँ पर सस्ता है तो वो लोग लेके जाने से बहुत ही महंगा होते हैं, तो गेट में करप्शन होता है, इसलिए आसाम वाले को सस्ता सब्जी मतलब 3-4 गुना ज्यादा वो रुपया दे के खरीदना पड़ता सब्जी, अगर गेट पे इस तरह करप्शन होंगे तो महंगा खरीद खाना पड़ेगा, अगर कोई गेट पे कोई भी करप्शन नहीं होगा तो 100 रुपये में 120 में मिर्ची या सब्जी मिल जाएंगे, तो वो सीस रुकेंगे तो सब्जी सस्ता होंगे आसाम 3 रुपये में, तो वो सीस जारी है, इसलिए आप लोगों को बहुत ही महंगा करके लेना पड़ता है ग्रीन वेजिटेबल। हमारे यहाँ पर सस्ता ही है, बहुत ही सस्ता है हमारा यहाँ पर हर चीज़ सब्जी, यहाँ से तो हमारा यहाँ से आसाम तो सामने ही है, तो वहाँ पर बहुत महंगा होता है गैस सब, यही सिस्टम का वजह से, करप्शन का सिस्टम का वजह से। तो अभी जाना पड़ेगा वो दवा लेने के लिए, जंगल को साफ करने के लिए, तो अभी चलते हैं मार्केट पे, तो हमारे गांव पे काफ़ी महंगा होते हैं, तो चौकम की तरफ में बहुत ही सस्ता होते हैं, तो कुछ पैसा बचाने के लिए वहाँ पर चलेंगे अभी। सो अभी मैं इस दवाई को लिया हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1200 MRP, लेकिन ये भाई साहब ने मुझे दिया है 700 में ना, बहुत डिस्काउंट। ठीक है भाई साहब सस्ता में देने के लिए, हाँ ठीक है। सो अभी चलेंगे, तो ये दवाई मतलब नया है हमारा यहाँ पर, तो मैं पहली बार इसको मारूँगा। तो हमारे गाँव पर बहुत ही महंगा होता है, यहाँ पर बहुत सस्ता होता है, पूरा होल सेल प्राइस मिलता है इसमें। तो दोस्तों आज मैं इसमें रह जाऊंगा, तो घर पे तो गया था, जाने के बाद वो दवाई को रख के आ गया इसमें लौट के, आज रह जाऊंगा, तो मैं सुबह यहाँ से जाऊंगा फिर से घर की तरफ, तो अभी तो नहाया नहीं, तो खाना खाने के बाद नहाऊंगा सोने से पहले। नहा लिया? आजकल वीडियो नहीं आ रहा है तेरा चैनल में, क्या हो गया? कल से आएगा, कल से सफाई करते है इसलिए, ओके टाइम नहीं है, टाइम नहीं इसलिए। तू भी नहा लिया? ओके, क्या बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है का? नहीं। अरे मुझे लगा बॉयफ्रेंड से बात कर रहा, लेकिन अभी सिंगल है, लाइव मार सकते हो अभी भी। सो यहाँ पर आ चुका डिनर, ये है पंकिन के साग और केरा की चटनी और ये जंगली मशरूम। सो मैं यहाँ पर बहुत दिन हुआ है, तो एक महीना के बाद आया हूँ फिर से खाना खाने के लिए,
तो एक महीने से पूरी आस में यहाँ पर रहूँगा। तभी खाते हैं डिनर, काफ़ी गर्मी है, गरम-गरम फिनिश कर देंगे। सो दोस्तों फाइनली काफ़ी कितने कंप्लीट हो चुके हैं, अभी नहा भी चुका हूँ। तो आज की वीडियो को अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय और गुड नाइट। तो फाइनली अदरक का काम तो ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी फिर से लगना पड़ेगा हम लोग को कुड्डू सेलिंग पे, तो वो तोड़ना पड़ेगा, तो वो काम बाकी है। तो हम लोग तो किसान ना, तो हमेशा काम करते हैं, बिजी रहते हैं, इसी का वजह से ही तो इधर उधर घूम ही नहीं पाते हैं। तो कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप बाहर घूमिए, इधर जाए उधर जाए, तो घर पे बहुत सारा खेत पड़ा हुआ है, तो खेत को देखना पड़ेगा। तो हम लोग का कोई एक्स्ट्रा सोर्स इनकम सोर्स ही नहीं है, इसी का वजह से हम लोग तो कहीं पर भी निकाल नहीं पाते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, और गुड नाइट। मजे से सुना, अच्छा से सुना, और बर्फ पर खाना खाना। तो अभी मैं सोने वाला हूँ, तो गुड नाइट। और कल तो मिलेंगे 4 बजे के आसपास फिर से।